नेक्स्ट है थायराइड डॉग, थायराइड डॉग आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का एक गजब का चमत्कार है, क्योंकि थायराइड की दवा आज तक एलोपैथ में ही मिलती थी, लेकिन एसएपीएस ने थायराइड डॉग बनाया जो थायराइड के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। थायराइड क्या है? थायराइड कोई बीमारी नहीं है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, और उसकी डिसऑर्डर से, मतलब अगर उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए और उसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो थायराइड हो जाते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म इस केस को नाम दिया जाता है। खैर आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, जब आप किसी से मिलेंगे तो सामने वाला खुद बता देता है कि मुझे थायराइड है, आपको उसके बीच में डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। तो अगर किसी को थायराइड की केसेस थायराइड आती है तो लोग जनरली मार्केट में थायरोनॉर्म, थायरोक्सिन जैसे बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो मार्केट से प्रिस्क्राइब करके लोग ले रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्केट की ली हुई थायरोनॉर्म या थायरोक्सिन मेडिसिन आज के डेट में जितने भी लोग यूज कर रहे हैं दे आर डेंजरस फॉर हार्ट, हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। थायरोनॉर्म्स या थायरोक्सिन से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन एड्रेनलिन ग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। आप दवा खा रहे हैं तब तक सही है, जिस दिन आप दवा खाना छोड़ेंगे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, इसलिए डॉक्टर बोलता है परमानेंट लेते रहो। लेकिन अगर आप उस दवा को परमानेंट यूज कर देंगे तो 5 से 6 साल लगातार थायराइड की दवा यूज करने वाले लोगों को किडनी और लीवर की समस्या 100% हो जाती है। तो अब हालत क्या है, आगे जाए तो खाया ही और पीछे जाए तो कुआं, खाए तो भी मरे और ना खाए, ऐसे लोगों को आपको समझाना है कि थायराइड की दवा ओनली ऑप्शन फॉर थायराइड। थायराइड जब आप किसी को यूज कराएंगे, थायराइड यूज कराने से थायराइड से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है वो 100% रिजल्ट देता है। इसलिए भी रिजल्ट देता है क्योंकि थायराइड में जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट थायराइड से होने वाले सिम्टम्स के ऊपर वर्कआउट करता है। जैसे थायराइड में लोगों की मस्कुलर लिथिलनेस आ जाती है तो अश्वगंधा मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करता है। थायराइड में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो सिनोद मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जितने भी थायराइड के केसेस आपको देखते हुए मिलते हैं आप लोगों से बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि उनकी थायराइड के लिए आप थायराइड डॉग जरूर से जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि थायराइड डॉग यूज करने वाले हो सकता है जिंदगी भर भी अगर किसी को थायराइड डॉग यूज करना पड़े कम से कम मरेगा तो नहीं, यस या नो? कम से कम वो मरेगा नहीं, क्योंकि एक बार लीवर और किडनी डैमेज हो गया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है ना। थायराइड डॉग इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, 30 ml 2 times लेना है। कैसे लेना है? 30 ml 2 times खाली पेट, सुबह शाम 30-30 ml लेना है खाली। एक नोट करके आप लिखिएगा कि अगर आप किसी को थायराइड डॉग देते हैं तो इम्यूनोडॉग जरूर इस्तेमाल करवाएं। क्या इस्तेमाल करवाना है? इम्यूनोडॉग जरूर दें। इम्यूनोडॉग दोपहर में देना है, थायराइड डॉग सुबह शाम खाली पेट और इम्यूनोडॉग दोपहर में खाने के बाद देना। थायराइड की कोई भी केसेस में अगर वीकनेस आती है या आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं तो 3 supplements मैंने यहाँ पे लिखा है, इम्यूनोडॉग, बीटा डॉग और पंच तुलसी। पंच तुलसी हार्मोनल बैलेंस को सही करता है और जो बीटा डॉग है वो पूरा विटामिन होता है, क्योंकि थायराइड की जितने भी पेशेंट होते हैं अगर आप उनको डाइट चार्ट बताने के लिए स्टार्टिंग करेंगे तो डाइट चार्ट में इट इज वेरी नेसेसरी टू यूज द मल्टीविटामिन यूज करने की एडवाइस दी जाती है। और हमारा जो बीटा डॉग है, बीटा डॉग भरपूर मल्टीविटामिन टेबलेट माना जाता है जिसमें 12 तरह की जो विटामिन होती है सारी विटामिन पाई जाती है। तो जब भी आप थायराइड वाले किसी को दे तो एज ए फूड सप्लीमेंट इम्यूनोडॉग और पंच तुलसी पानी में मिला के पीने के लिए और बीटा डॉग 2 times एक एक गोली जरूर खाने की एडवाइस करें, रिजल्ट आपकी बढ़ जाएगी। कर सकते हैं?